अरे बेटी पढ़े नाक बेटा नाक पढ़े, नदी की किश्त के कुंभे का कुंभा नाक पढ़े। यही दुआ है कि हर एक बच्चा है सुन्नत का, बिछा बिछा के मुसल्ला नदी की नाक पढ़े। ये मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरुल अमाजिल बाप के हवाले करूंगा। शेर देखे, शायर कहता है कि तब गए हस्ताद रिफत देख कर हैरान है। हस्ताद जलने वालों की जमात को कहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ फरमाए अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ रखते हैं कि हुजूर मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती अमजदी की जात काजी जिला मोहतरी थे, काजी जिला मोहतरी है और काजी जिला मोहतरी रहेंगे कहीं। सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बताए कितने लोग काजी जिला मोहतरी मानते हैं, सारे लोग हाथ उठाए माशा अल्लाह। शायर कहता है कि तब गए हसाद रिफत देख कर हैरान है, इल्मो फन का वो महान कौन है जिसमें हुजूर सदरुल्लाह फाजिल रहते हैं, के इल्मो फन का वो महल कितना अजीम शान है और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के खिदमाते जलीला के तुफैन। अरे कादरिया रशीदिया की मुनफरिद पहचान है, कादरिया रशीदिया की मुनफरिद पहचान है। अब नारे का जवाब दो, नारे का जवाब दो, देखने के बाद हुजूर मुहद्दिसी करीम ने कहा था कि मसलके आला हजरत के सच्चे पासवान आप नजर आते थे। हुजूर मुहद्दिसी करीम की तहरीर मौजूद है, तो जिनकी ताई बुजुर्गान दीन कर दे वो क्यों ना इस जिले के काजी होकर के सुल्तान रहा, और आपको किसी और ने काजी नहीं बनाया है, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद ने बनाया है कभी सुल्तान रहा, और जिनको मुफ्ती आजम हिंद ने अपना खलीफा बनाया हुजूर अल्लामा गुलाम यासीन साहब को, तो हुजूर मुफ्ती आजम की फैज और उनकी निगाह करम ने आपको काजी जिला मोहतरी चुनिए थे। इसलिए हम हजरत को काजी मानते हैं, आगे क्यों ना हो कि जिनकी सूरत को देखकर बुजुर्गों की मोहली तस्वीरें नजरों में फिर जाए, इल्म जिनके जन्मों में चले, इल्म जिनके तरफ दिल खुद बहुत खींचता चला जाए, जो उलमा के माबैन एक कदावर और बुलंदो बाला शख्सियत के मालिक हो। मैं ये चाहता हूँ कि हुजूर के फैजान यानी हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के फैजान से माला माल होने के आप तैयार हो जाए। हजरत का इसे बात कर ले, नाराय तकबीर नाराय रिसालत फसल के आला हजरत जश्न-ए गौसुल मरा जश्न-ए शादी खाना आबादी मुसलमान आने फुल हद्दा नाराय तकबीर नाराय रिसालत सफलता नहीं है हमारे संभाले। आप ये महफिल आपके हवाले आप लोगों की अकीदतों का प्रोग्राम है, सिर्फ हजरे की गरज से मैं यहाँ का मेहमान हो गया हूँ और मैं कलम की बारगाह में हजरे तशक्कुर पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। काफी कामयाबी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम अपनी मंजिल इख्तियार की तरफ जा रहा था। मैं इससे पहले बारगाह मौला में हमद पेश करते रहा हूँ, मगर हम या अल्लाह والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وعلى وسلم प्रोग्राम होता है तो ही जाते हैं कि की तरफ से प्रोग्राम एक हजी की तरफ से प्रोग्राम हो तो कम से कम ग्यारह बजे आता है और लग गया है। आप लोग काबिले मुबारकबाद है कि ठंड की इस रात में इस वक्त तक बैठकर अल्लाह उसके प्यारे रसूल का जिक्र जमीन सुन रहे हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में और इस शादी को शादी खाना आबादी बना दे। मेरे अजीज बात नूर नजर अजीजा मोहम्मद फिरोज आलम सल्लल्लाहु
अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान और करम से मालामाल फरमा, सरकार और सरकार की नवाजिशों से मालामाल फरमा, और जिस नई हजरी बच्ची की आमद आमद मेरे बड़े भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद एन अंसारी साहब के घर में होने जा रही है, या अल्लाह उस बच्ची को भी सेहत और सलामती अता फरमा, उसके कदम को उस घर के लिए बाइस रहमत और बरकत बना, और तरफैन के दरमियान काबिल आयार मोहब्बत और चाहतों ऊपर पैदा करना। अब आप लोग ये दुआएं करने जा रहा हूँ, अल्लाह इस प्रोग्राम में सर शाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान भाई छोटे बड़े बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हैं, मौला करीम इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा कर कल रोजे कयामत तक जन्नत में पहुँचने की तौफीक अता फरमा। अपने आलिम सेक्रेटर हजरत अल्लामा मौलाना शमीम आलम साहब कीबला दामत जिले वलवलानी शमीम मशरफ साहब कीबला वो भी विराजमान है, उनके भी घर का प्रोग्राम है, यहाँ पर बैठ कर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिद्ध जमील कर भी गए, सिद्ध जमील सुन भी रहे हैं, खतीब जिशान आलिम मानी का बयान हजरत अल्लामा मौलाना नियाज अहमद साहब कीबला हसमती आपकी बस्ती के दोस्तों खतीब व इमाम शायर इस्लाम मदहज इस्लाम हजरत अल्लामा पाली जमशेद पत्थर ने पाली साहब कीबला और अपनी जिस्म जिस्मानियात को अपने फन में समेट कर के आपके सामने में पेश करने के लिए तशरीफ लाए खतीब जिशान आलिम मानी और बयान माहिर में जो कुरान हजरत मौलाना हर मुस्लिम पर कातिब चतुर्वेदी भी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इल्म और फजल के साथ सेहत और सलामती से नवाजा माशाल्लाह इतनी शानदार इतनी आपकी समाती है मुझको तो लगता है कि कभी धोखे से किसी चौकस नंबर के बदल पर ही गिर जाएगा दूसरे दिन उसका दरवाजा ठीक है माशाल्लाह अच्छा खिताब इन्होंने किया होगा आप लोगों ने समाप्त किया होगा हमारे तालिबानों और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत के साथ इस प्रोग्राम को सजाने वाले पंडाल लगाने वाले अपना माइक दे करके प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले कई पहले इखलास मोहब्बत शायरी वाले सुंदर जिम्मेदारी अपने कांधे पे रखी है और बहुत हद तक ये प्रोग्राम कामयाब हो कामयाब भी है कि तमाम सर मुकर इकराम का मैं अपने बड़े भाई जनाब मोहम्मद एनुल अंसारी साहब की तरफ से अली जनाब इज्जत मां मोहम्मद महबूब अंसारी साहब की तरफ से तहदी से शुक्रगुजार हूँ खैर मुकदम करता हूँ इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की आमद आमद इस महफिल के लिए बाइस रहमत और बरकत बन गई है आप तमाम हजरात का साया अल्लाह तबारक व तआला और मुनास पर कादिर कायम और रहम करके करा फरमाए मैं चार मिनट से सरकार और से पाक की शान में पेश कर दे रहा हूँ बात खत्म कर दे रहा हूँ फिर आपको सलात और सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे क्योंकि बहुत सा आदर करीम महिला है मुकद्दस महिला है ज्ञानी महिला का महिला है ये ग्यारहवीं वाला महीना वलियों के सरदार का है और इससे पहले बारहवीं वाला जो महीना गुजरा था वो नबियों के सरदार का महीना था ये वलियों के सरदार का महीना है चार मिसरे के मगरू को भी शादी किया रोसे खातिब के उमदा नकीब उमदा खतीब और बेहतरीन आलिम दीन हजरत हाफिज़ कारी मुफ्ती रजब अली साहब की बात आपकी से आई माशाल्लाह अगरचे इनकी बात मुख्तसर है लेकिन इनकी बात बड़ी मोतबर है बेशुमार अच्छी गुफ्तगू करते हैं शानदार नकाबो भी करते हैं और खड़े हुए सारे नाम हजरत मौलाना महबूब साहब हम चली दस की दौड़ दे पाए माशाल्लाह वो भी विराजमान है वो कह रहे हैं कि खड़े होते होते शेर मार रहे हुए हैं जितने इष्ट में लगाए हमने कई चक्कर 71 72 73 74 इस तरह की शेर शायरी की और दस्तर ये कर लेते हैं बल्कि इससे भी उनका शायरी की झलक इनके शायरी में आती है अल्लाह तबारक व तआला मजीद इनके इल्म व फज़ल में
लिए पाक रहा हूँ। शायद लिखता है मखमूम को भी शाद किया उसे पाक ने, मखमूम को भी शाद किया उसे पाक ने, सहराए से आबाद किया उसे पाक ने, आत्मा के शिकम में रहकर करामत को देखिए। दुनिया में आने के बाद चुना दे रहा, जब सरकार उसे पाक दुनिया में आए तो वो के सुल्तान बन गए, तमाम वलियों के राजा महाराजा बन गए। सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो वलिये निशान बन गए, तमाम वलियों के सुल्तान बन गए। तो दुनिया में आने से पहले अपनी माँ के पेट में ही 18 पारा हाफिज कुरान बन गए, अपनी माँ के पेट में भी 18 पारा के हाफिज कुरान बन गए। तो शायद लिखता है मरहूम को भी शाद किया गौसे पाक ने, सहराए दिल आबाद किया गौसे पाक ने, और माँ के शिकम में देख रहकर करामत को देखिए, माँ के शिकम में रहकर करामत को देखिए। अरे 18 पारा याद किया गौसे पाक ने, कामयाब फरमाए, शादी को शादी खाना।